इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि हमें गूगल पे डिस्प्ले एड्स कैसे चलाने हैं। जी हाँ, ये भी दोस्तों गूगल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड है जो कि आज आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके थ्रू आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड है तो उसका अवेयरनेस के लिए आप एड चला सकते हैं गूगल पे। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप गूगल एडवर्ड्स में लॉग इन कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए। साइन इन जैसे आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ओवरव्यू का पेज कुछ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी भी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है लॉग इन करने साइन इन करने में या फिर कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर लूंगा। तो दोस्तों गूगल एडवर्ड में जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपके स्क्रीन पर खुल गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर थर्ड नंबर पर कैंपेन्स का ऑप्शन है, हमें कैंपेन्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पे प्लस का एक साइन आप देख सकते हैं, तो प्लस पर हमें क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू कैंपेन्स पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच में चलाना है, तो ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पर हम क्लिक करने के बाद डिस्प्ले पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको रीजन एक एक चीज की क्लियर कर दूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। जो भी डिस्प्ले ऐड होंगे वो ना सेल्स लीड्स वेबसाइट ट्रैफिक किस में भी चलेंगे, वो ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच में चलेंगे जो कि हमें ब्रांड अवेयरनेस में चलाने हैं। और उसके बाद हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। जो लोग भाई लोग वीडियोस पे चलाना चाहते हैं वीडियोस पे चला सकते हैं, अगर वो कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उनकी पूरी पूरी हेल्प कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिस्प्ले पे आज आपको मैं चला के दिखाऊँ। डिस्प्ले आप सेलेक्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट के यहाँ पे आप यूआरएल डाल दीजिएगा जो भी आपकी वेबसाइट है। मैंने अपनी वेबसाइट के यहाँ पे यूआरएल डाल दिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो यानी क्रिएट और कैंपेन के फर्स्ट स्टेप पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अपने कैंपेन का नेम दे दूंगा जो भी मैं देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे हमने कॉलोनी एड्स के ट्यूटोरियल्स आपको बताए थे, वैसे ही हम डिस्प्ले एड्स का बिल्कुल एक लाइव ट्यूटोरियल्स आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। आप हमारे जैसे जैसे हम स्टेप्स को फॉलो करना वैसे स्टेप्स को फॉलो करिए और अपना ऐड बनाइए, रन करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है लोकेशन। लोकेशन आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप इंडिया सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई अदर आप एडवांस मतलब और छोटे स्टेट्स में आप चलाना चाहते हैं, रेडियस में चलाना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन में आप चलाना चाहते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं अगर आप इंडिया में नहीं चलाना चाहते तो। अगर जो भाई लोग ऑल कंट्रीज के हिसाब से चलाना चाहते हैं टेरिटरीज के हिसाब से ऊपर वाले पे क्लिक करके इंडिया से ऊपर वाले पे क्लिक करके वहाँ से ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि आपको कैसे चलाना है इंडिया के हिसाब से नहीं। जो भाई लोग हम अगर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैं दिल्ली या फिर और कोई स्पेसिफिक स्टेट्स में हम कैसे चलाएंगे, तो मैं बता देता हूँ लोकेशन आपको कैसे डालनी है। इंडिया के बाद एंटर अदर लोकेशन के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं एडवांस सर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है। एडवांस सर्च पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन टू टारगेट पर आपको जिस भी स्टेट्स में आप चलाना चाहते हैं, सपोज करिए दिल्ली में आप चलाना चाहते हैं, मैंने दिल्ली यहाँ पर डाल दिया है। अभी सर्च कर्सर घूम रहा है हमारा और इसके बाद हम इसको दिल्ली को इंक्लूड कर लेंगे और हम यहाँ पे डाल देंगे मुंबई। सपोज करिए मेरे को मुंबई में भी चलाना है। ठीक है दोस्तों, मैं मुंबई में यहाँ पे डाल दूंगा और डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। और फिर सपोज करिए मुझे पंजाब में भी चलाना है, पंजाब में भी आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको पंजाब भी इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। तो ये तो हमारा एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट टास्क हमारा यहीं खत्म हो जाता है कि हमने लोकेशन अपनी सही सेलेक्ट कर ली है। ये भी आप रिसर्च से कर सकते हैं, आप कहाँ चलाना चाहते हैं अपनी चीज़ों के अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस हिसाब से। लोकेशन ऑप्शंस देख लेते हैं हम नीचे। तो ये हमें पूछता है कि पीपल टारगेट पीपल हु पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन रिकमेंडेड। आप इस पर ही चलाइएगा बिकॉज ये भी गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है और ये बेस्ट भी होता है। तो अगर आप दूसरे के हिसाब से अगर आपको पता है कैसे चलाना है, कैसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी कॉल के हिसाब से। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट वाला ही रहने दीजिएगा। आप जैसे जैसे थोड़े टाइम बाद अगर आप बिगनर हैं अभी तो यही रहने दीजिए। अगर आप थोड़े टाइम बाद मल्टीपल कैंपेन्स बनाएंगे, आप इन सब चीज़ों को एक बार एनालिसिस कर चला चला के प्रैक्टिकल देख सकते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में पता चल जाए कि आपका कहाँ से बेटर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से टारगेट यही बेटर रहेगा बिगनर्स के लिए अभी। और एक्सक्लूड पर हम चलते हैं, एक्सक्लूड पे हम यही रहने देंगे, हम इस साथ कुछ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं हम लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं कि आप जो भी लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, इंग्लिश में मैं चलाना चाहता हूं तो मैं इंग्लिश में ही चलाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिडिंग, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो भी आप CPM के थ्रू यानी व्यूएबल CPM के थ्रू कॉस्ट पर इंप्रेशन के थ्रू आप चलाना चाहते हैं, उसमें आप व्यूएबल इंप्रेशन ही रहने देंगे। इसमें आप कोई और सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, आप हाई क्वालिटी ट्रैफिक आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप व्यूएबल इंप्रेशन ही रहने देंगे बिकॉज हम अपना एड यहाँ पे सबको दिखाना चाहते हैं। और वहीं हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट विजिबल इंप्रेशन, तो बिड ऑन व्यूएबल इंप्रेशन ही रहने देंगे हम यहाँ पे। आपको सिलेक्ट ऑप्शन वैसे दे भी नहीं रखा तो हम यही ही रहने देंगे। इसके हिसाब से अगर आप जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज़ हमसे बताइएगा। वहीं अगर आप कोई सिलेक्ट बिड डायरेक्टली अगर आप कोई डालना चाहते हैं, आप कोई एक बिड डालना चाहते हैं भाई इससे ज़्यादा मेरे पास बिड की इससे ऊपर ना जाए, मेरा कॉस्ट पर इंप्रेशन इससे ऊपर ना जाए, एक स्मॉल बिड आप डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके
उस बिड को आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। एच डे के हिसाब से आप इस बिड को मेथड कर सकते हैं। वहीं हम नीचे डिलीवरी पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों। डिलीवरी की बात करें तो आप स्टैंडर्ड ही रहने दीजिएगा एज अ बिगनर, आप एक्सप्लोरेटेड मत करिएगा। बिगनर स्टैंडर्ड मतलब आप गूगल अपने हिसाब से आपका ऐड शोकेस करेगा स्टैंडर्ड मेथड में, धीरे धीरे आपका ऐड चलेगा और फिर आपके उसके हिसाब से पैसे कटेंगे। एक्सप्लोरेटेड मतलब एकदम आपका ऐड बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बिड की तो आप बजट भी अपना यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे। सपोज करिए मेरे को यहाँ पे 300 रुपये पर डे के हिसाब से चलाने हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने 300 रुपये डाल दिए, तो वहीं देखिएगा वहीं मेरा एस्टिमेट्स लगभग रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने विजुअल इंप्रेशन की हमने बात कर ली, विजुअल सीपीएम की बात कर लेते हैं कि आप बिड स्ट्रेटजी कैसे चाहते हैं। तो हम सीपीएम के थ्रू, विजुअल सीपीएम के थ्रू हम चाहते हैं वो ही उसको यहाँ पे रहने देंगे। मैनुअल सीपीसी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में आपको कैसे काम करना है, तो विजुअल सीपीएम रहने देंगे यहाँ पे और हम इसको आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चलेंगे दोस्तों। और हमने बजट यहाँ पे डाल दिया, डिलीवरी मेथड मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड रहने देंगे, एड रोटेशन ऑप्टिमाइजेशन परफेक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स पे रहने देंगे और हम और यहाँ पे और कुछ सेलेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कई लोगों के हमारे पास सवाल भी आते हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड हम आपको उनको सवालों को भी दूर कर देंगे। देखिए एड शेड्यूल, ये लोग पूछते हैं भाई हमें ऐड शेड्यूल करना नहीं आता गूगल पे, कैसे करेंगे, कैसे होता है, एक बार आप बताइए। तो देखिए ऐड शेड्यूल आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑल डेज का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑल डेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक डेज के हिसाब से भी चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे चाहते हैं या फिर मंडे चाहते हैं ट्यूजडे, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिक डे के हिसाब से आप उसको यहाँ सेलेक्ट करिए। उसकी टाइमिंग्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक आप रन कराना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप ये मेथड भी अपना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपकी हेल्प पूरी पूरी कर देंगे। स्टार्ट एंड एंड डेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों डेट के हिसाब से डाल दीजिए स्टार्ट डेट यहाँ से। अगर आप नन घटा के सेलेक्ट डेट यहाँ से करेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट डेट पे क्लिक करके और यहाँ से आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जैसा भी आपका आपका हिसाब किताब बने आप वहाँ से कर सकते हैं। मेरे को तो आज से ही रन करना पड़ेगा तो मैं आज यहाँ से आपको नन रख दूंगा। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब होता है कि आप कितनी बार एक, जैसे आपका ऐड है, आपके ऐड आप एक बंदे को दिन में कितनी बार दिखाना चाहते हैं। अगर वो गूगल पे सर्च करे एक दो चीज़ सेम चीज़, आप उसको कितनी बार दिखाना चाहते हैं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जो भी आप दिखाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से रहने दीजिए। देखिए गूगल भी यहाँ पे बोलता है कि आप रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप मेरे हिसाब से रहने दीजिए, मैं अपने हिसाब से दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आप अपने हिसाब से लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट लिमिट पे क्लिक करिए और एक पूरा जो आपका हेल्थ कैंपेन है वो आपको सब कुछ तीन बार, एक बार दिन में दिखाना चाहते हैं, थ्री पर डे पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं। अब कंटेंट एक्सक्लूजन पे आ जाते हैं। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, किस कंटेंट पे आप अपना ऐड को रन करना नहीं चाहते। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कई लोग होता है कि भाई मैं तो कोई सेंसिटिव चीज पे या ट्रेजेडी वगैरह पर अपना ऐड रन नहीं करना चाहता, मेरी लीड मेरा ऐड खराब हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, मैं चाहता हूँ ट्रेजेडी पे ना चले मेरा, सेंसिटिव पे ना चले, प्रोफेनिटी पे एंड रफ लैंग्वेज पे ना चले, सेक्सुअली सजेस्टिव पे ना चले और सेंसेशनल एंड शॉकिंग पे ना चले। देखिए दोस्तों जैसे ही आप कर देंगे तो आपका यहाँ पर वीकली एस्टिमेट्स भी अपना आप सेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले इंप्रेशन कितने थे, अब इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, ये सब अपना वीकली एस्टिमेट आपका लगने लग जाता है। वहीं हम नीचे एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। वहीं एडिशनल सेटिंग पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो डिवाइसेस हमसे पूछता है कि किस डिवाइसेस पर आप ऐड चलाना चाहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस पर आप चलाना चाहते हैं, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस पे क्लिक करिए और कंप्यूटर मोबाइल जिस पे भी आप चलाना चाहते हैं। सपोज करिए मैं वो कंप्यूटर पे नहीं चलाना, मुझे ना टैबलेट्स पे चलाना, मुझे मोबाइल पे चलाना, तो वो भी आप जैसे ही हटा देंगे तो वही आपका वीकली एस्टिमेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि आपका इंप्रेशन कितना पड़ेगा। ये ऑपरेशनल सिस्टम, डिवाइस सिस्टम, सब चीज़ आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिवाइस मॉड्यूल आपने देख सकते हैं। मुझे तो अभी यहाँ पे सारे पे रन करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सब चीजों पे काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो हो गया ऑपरेशन सिस्टम, आप रहने दीजिए जैसा भी आपको चलाना है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। डिवाइस मॉड्यूल्स आप रहते हैं कि भाई एंड्रॉयड पे ना चला के पीसी और पे आप चलाएं तो आप यहां से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर आप ये कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप डिवाइस मॉड्यूल यहाँ सेट सिलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क्स में आप स्पेसिफिक चीज चाहते हैं तो आप वहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर कैंपेन्स यूआरएल ऑप्शन हटाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हटा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आगे बढ़िए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डायनामिक एड्स की अगर हम बात करें तो आप यूज डाटा एज अ फीड फॉर पर्सनल ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, बट आप आगे बढ़िए, इसमें भी आपको कोई आगे भी कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिव और ऐड ग्रुप, यहाँ पे आप ऐड ग्रुप अपना बनाएंगे, आप ऐड ग्रुप अपना नाम दे सकते हैं डिस्प्ले ऐड वन। लेकिन दोस्तों ये ध्यान से दीजिएगा, बिकॉज ये आपको याद रखना होगा जब भी आप अपना ऐड चलाएंगे। तो ऑडियंस को भी ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट करने की, ऑडियंस को हम रीमार्केटिंग में सिलेक्ट करते हैं तो वहीं से हम सिलेक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक्स पर बात करें, डेमोग्राफिक्स मतलब एज ऑडियंस के हिसाब से आप कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस किस ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, मेल को दिखाना चाहते हैं, फीमेल को दिखाना चाहते हैं। ये बहुत दोस्तों ये ना गूगल का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है एडवर्ड्स पे, जहाँ पे आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो जो गूगल देगा वही कर रहे हैं, अपने हिसाब से सब चीज़ करिए, अपने हिसाब से ऐड रन करिए। अगर आप मेल फीमेल को दोनों को दिखाना चाहते हैं परफेक्ट, अननोन को भी आप रख सकते हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से सिलेक्ट करिएगा अपने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज के हिसाब से कि आप किस एज को नहीं दिखाना चाहते। मैं चाहता हूँ मेरा ऐड 65 प्लस को ना दिखाई दे, 55 टू 64 को भी ना दिखाई दे, और 18 टू 24 मैं रख सकता हूँ, 25 34 भी रख सकता हूँ, 35 टू 44 भी मैं रख सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को रखने के बाद मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। और अब आता है दोस्तों इसके बाद डेमोग्राफिक्स हो चुका है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। कंटेंट टारगेटिंग पर आते हैं दोस्तों, जैसे आप कंटेंट टारगेटिंग पर करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देता है, कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स, जिसके हिसाब से भी आप चलाना चाहते हैं। आपकी कॉल है, आप मल्टीपल कैंपेन्स बनाइए, एक में कीवर्ड्स के हिसाब से चलाइए, एक में टॉपिक्स के हिसाब से, एक में प्लेसमेंट्स के हिसाब से। तो प्लेसमेंट्स का अगला हम बता देंगे आपको, वो कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमको जो हम CTR के हिसाब से बताएंगे। अब अभी हम CPM के हिसाब से बता रहे हैं, तो हम आपको पहले कीवर्ड्स के हिसाब से बता देते हैं कि वो कीवर्ड्स के हिसाब से कैसे चलाना है। तो हम यहाँ पे ऑडियंस नेम दे देते हैं, बिल्कुल नया है ऑडियंस नेम हम यहाँ पे दे देते हैं। और हम उससे कीवर्ड्स यहाँ पे डाल देंगे, ये दोस्तों। उसके बाद ऑडियंस साइज आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एस्टिमेट साइज आपको यहाँ पे बता रहा है, एज के हिसाब से बता रहा है आपको। वो जो इंपॉर्टेंट है वो आता है 54 तक हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने अपनी ऑडियंस को यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अगर आप कोई भी यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं ऑडियंस के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से, तो हमने तो यहाँ पे डाल दिया है, आप भी हिसाब से डाल दीजिएगा। आप यहाँ से सारी चीज़ों को अपना अपने हिसाब से एनालिसिस, अपने हिसाब से चीज़ें आप यहाँ से आसानी से मैंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जिस जिस चीज़ को यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आपका इसके हिसाब से है। तो मैं यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस है मेरा, तो मैं यहाँ पे बिजनेस जॉब्स के हिसाब से डालना चाहता हूँ, एजुकेशन में मैं डाल देता हूँ उस चीज़ों को, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है दोस्तों। मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। अब ये पूछता है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, ये हमने बता दिया है, हमने यहाँ से सारी चीज़ सेलेक्ट कर ली है जो भी हमको लेना था, ठीक है दोस्तों। भाई हमसे आइडियाज़ हम से ले लेते हैं कि भाई ये भी क्या दिखाता है, ये कहता है इन मार्केट में एजुकेशनल जॉब्स के हिसाब से आप चलाना चाहते हैं या गवर्नमेंट के हिसाब से आप चलाना चाहते हैं, जिस हिसाब से भी आप चलाना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट एक चीज़ों को कर सकते हैं। वेबसाइट के हिसाब से, सर्च के हिसाब से भी आप यहाँ पे आप एक चीज़ सर्च करके आसानी से डाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफिक्स की हमने बात कर ली, कंटेंट की हमने बात कर ली, कंटेंट में हमें कैसे करना है, कीवर्ड्स के थ्रू हमने कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिए मेंशन कर दिए। उसके बाद टारगेटिंग और टारगेटिंग एक्सपेंशन क्या रहेगा, टारगेटिंग एक्सपेंशन हम जितना भी हमारा यहाँ पे इंप्रेशन शो कर रहा है हम इसको मैन्युअली टारगेटिंग ऐसे रहने देंगे, हमें शायद आगे नहीं छेड़छाड़ करेंगे। वहीं अगर हम एड ग्रुप बिड पर बात करते हैं तो आप एड ग्रुप बिड पर कितना रुपये चाहते हैं,
चाहते हैं 3 रुपए पा। देखिए दोस्तों, ये एड ग्रुप जो बिल्ड होता है टोटली आपके सर्विस एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, आप क्या अपना लगाते हैं। मैं यहाँ पे 5 रुपए लगा देता हूँ और उस हिसाब से मेरा वीकली एस्टिमेट यहाँ पे आपको दिखाई दे जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू एड पे क्लिक करना है और न्यू एड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड पे क्लिक, जैसे आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड पे क्लिक कर देंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जैसे ही आपको यहाँ पे URL आपको वेबसाइट का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको यहाँ पे अपने इमेजेस एंड लोगोज यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इमेजेस एंड लोगोज पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपके कोई वैसे कोई वीडियोज़ है तो आप वीडियोज़ के थ्रू भी चीज़ें नहीं अपलोड कर सकते। मैंने कुछ यहाँ पे अपलोड कर रखी थी फाइलें, रिसेंट यूज़ में देख लेता हूँ हाँ कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको इस पे ही चला के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको एज अ लोगो यूज़ करना चाहता हूँ। इनके स्पेसिफिक साइज़ होते हैं आप देख सकते हैं, और भी बहुत साइज़ होते हैं, आप गूगल पर जाकर उन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं इसको एज अ लोगो यूज़ कर लेता हूँ और नई वाला ले लेते हैं और उसके बाद मैं इसको एज अ लोगो फिर यूज़ कर लेता हूँ देंगे और इसको मैं एज अ इमेज यूज़ करूँगा, इसको मैं एज अ इमेज यूज कर लेता हूँ। हम सेव करें। ये दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इमेजेस अपलोड कर दी। आप चाहते हैं आपको वीडियो अपलोड करना तो आपको यूट्यूब का URL यहाँ पे आप डाल दीजिए। सपोज करिए मुझे ये वाला चलाना है, सपोज करिए मुझे ये वाला चलाना है तो मैं यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसका URL यहाँ पे डाल दूँ, उसके बाद मैं इसको सेव। ठीक है, ये आपको बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। अब इसमें 5 तक अपलोड कर सकते हैं URLs, आपकी मर्जी है। वहीं आप हेडलाइंस में भी सेम ही होता है कि आप 5 हेडलाइंस तक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा रिसर्च करके यहाँ पे चीज़ें डालेगा ताकि आपका जो भी ऐड चले गूगल पे डिस्प्ले ऐड वो रिस्पॉन्सिव हो, वो दिखने में अच्छा हो, ताकि लोग उस पर एंगेज हो सके। वो आपकी कॉल है, आप कैसे डालते हैं। तो हेडलाइंस मैंने यहाँ पे कुछ रेडी करके रख रखी थी जो कि मैं आज यहाँ पे डालने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर रखी हैं, तो आप भी अपने हिसाब से 5 तक आप डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, यहाँ पे ऐड करने के बाद अपनी दूसरी वाली हेडलाइन डाल दूँगा। ये दोस्तों इस तरीके से आप चीज़ें अपनी रेडी करके एकदम ऐड बनाइएगा। रिसर्च करके आप कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी चीज़ें अपनी रेडी कर सकते हैं कि आपको किस कीवर्ड्स पे चलाना है। जैसे कि हमने कीवर्ड्स वहाँ पर मेंशन किए थे, गूगल कीवर्ड प्लानर या फिर मार्केट में आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे, हमने इस पर वीडियो बनाई हुई तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग हेडलाइन हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी, जो भी हमारी लॉन्ग हेडलाइन है। लॉन्ग हेडलाइन बोले तो दोस्तों हमारी डिस्क्रिप्शन होता है, तो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे। 90 वर्ड्स तक हमारे पास होते हैं, तो वैट्सअप 90 तक हमसे पूछता है, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब सारे उतने ही सिलेक्ट करें। तो आपके पास चीज़ें हों तो आप उस हिसाब से अपने डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने ये दोनों सेलेक्ट डाल दिए हैं, अपने लॉन्ग हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हमारे फुल हो गए हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं, आपको 5 हेडलाइन 5 डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, वीडियोज 5 लगा सकते हैं, बिजनेस नेम आप दे दीजिए जो भी आपका बिजनेस नेम है। हमने यहाँ पर अपना बिजनेस नेम भी दे दिया, वहीं ऐड URL ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे नीचे। आप ऐड URLs यहाँ पे डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, हम नीचे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आता है कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताता हूँ, जैसे आप कॉल टू एक्शन पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपको जो भी आप ऐड चला रहे हैं डिस्प्ले के लिए आप कैसे चाहते हैं। उस पर अपना शॉप नाउ कराएंगे, साइन इन कराएंगे, कोट कराएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, कॉन्टैक्ट अस कराएंगे। तो अभी के लिए मतलब डिस्प्ले में हम कॉन्टैक्ट अस भी रख सकते हैं, हम साइन अप या फिर हम सब्सक्राइब, मतलब जो भी आप रखना चाहते हैं अपने एड्स के हिसाब से। मैं कॉन्टैक्ट अस कर रखूँगा, अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट हो, डायरेक्ट बातचीत हो, इंग्लिश में ही रहने देंगे, उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम ऐड आपको मैं दिखाऊंगा ऐड आपको कैसा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आपको ऐड दिखाते हैं एक बार पहले। देखिए दोस्तों, मेरा कुछ ऐड इस तरीके से दिखाई देगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
देखिए कुछ इस तरीके से ऐड आपको दिखाई देगा, आप और अच्छा बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, बिल्कुल लाइव हम चला रहे हैं तो हम आपको दिखाने के लिए बनाया, आप और अच्छा ऐड अपना बना सकते हैं। आपको मैं गूगल के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट ऐप्स के थ्रू था, ये मोबाइल में हम देख रहे हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम डेस्कटॉप में देखेंगे वो डेस्कटॉप में कैसे दिखाई देगी। देखिए दोस्तों ध्यान से, डेस्कटॉप में आपको ऐड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे चलता हुआ। देखिए देखिए दोस्तों इस तरीके से ऐड्स दिखाई देगा आपको, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से, एक लंबे में देख सकते हैं आप, इस तरीके से देख सकते हैं आप, अलग अलग पिक्चर्स इमेजेस के हिसाब से आप मेरा ऐड यहाँ पे देख सकते हैं। भाई गूगल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें, गूगल प्रॉपर्टीज़ पे मेरा कुछ इस तरीके से ऐड दिखाई दे जाएगा, जीमेल पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब अलग अलग तरीके से आप ऐड आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखिएगा दोस्तों यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मेरा डिस्प्ले ऐड, कॉन्टैक्ट अस पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ और यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप नीचे से यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे मेरा कुछ ऐड इस तरीके से दिखाई देगा। ये दोस्तों तो ये बात हो गई है, मैंने आपको ऐड भी दिखा दिया, ऐड पूरा बनाना भी दिखा दिया। अगर आपको लगता है कोई आपकी क्वेरी तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट कैंपेन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब आपका ऐड पूरा बन चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज़ रेडी। ठीक है दोस्तों, तो आपका पूरा कैंपेन लगभग पूरा बन चुका है, आप अपने पूरे कैंपेन की स्ट्रेटजी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो जो आपने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। कंटिन्यू टू कैंपेन पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम कंटिन्यू टू कैंपेन पर क्लिक करेंगे आप देखिएगा आपका ऐड यहाँ पे शो होने लग जाएगा। वहीं अगर हम ऐड की बात करें तो ऐड पर भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आपका ऐड अंडर रिव्यू है, आपका ऐड अंडर रिव्यू गया हुआ है। कीवर्ड्स की बात करें, डेमोग्राफिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेमोग्राफिक्स का यहाँ पे देख पाएंगे भाई आपने किस किस एज लिमिट्स को हटाया था, किस किस एज लिमिट्स को आपने रखा था, सब चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा।